तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज 11th ऑफ अगस्त है और अभी आपको टाइम दिखा देता हूँ, मॉर्निंग के 4:35 हो रहे हैं। और अभी मैं आपके साथ एक छोटी सी एक अपडेट शेयर करना चाहता हूँ। आई नो आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैंने अपनी कम्युनिटी पे भी लगाया था, मैंने इनफैक्ट कुछ वीडियोज भी शेयर करी थी आपकी, आपको कुछ छोटी सी अपडेट देने के लिए कि क्या चल रहा है क्या नहीं। आई होप आपको ये सब चीज़ें पता चली गई होंगी। 7th ऑफ अगस्त को मेरे पास एक कॉल आता है, जो कॉल मेरे भाई की जहाँ पहले पोस्टिंग थी दिल्ली में, वहाँ पे जो कलीग्स थे उनके पास मेरा नंबर था, उनका एकदम से मॉर्निंग में कॉल आता है और उन्होंने मतलब मुझे बताया कि नॉर्मल हालचाल पूछा और उसके बाद फिर एकदम से बताते हैं कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बट भाई का, आपके भाई का ना एक एक्सीडेंट हो गया है और मतलब बहुत दूर है वो वहाँ पे। पहले आप सबको पता है देहरादून में थी पोस्टिंग, बट उन्होंने अपना ट्रांसफर करवा लिया था एक ऐसी जगह पे जो ऑलमोस्ट हिसार से 2000 प्लस किलोमीटर दूर है, और वो ऑडिटिंग पे गए हुए थे, कहीं दूसरे सिटी में गए हुए थे और ऑडिटिंग उनकी हो चुकी थी, ऑफिशियल वर्क पे ही थे। उसके बाद नेक्स्ट जब मेरे को मतलब कॉल पे ये पता चलता है कि वो अपनी फ्लाइट के लिए वापस एयरपोर्ट पे जा रहे थे और एयरपोर्ट पे जाते हुए रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया, जो उन्होंने कैब बुक करी थी उसका टायर निकल गया गाड़ी से, मतलब चलती हुई गाड़ी से उनका टायर निकल गया, जिसकी वजह से गाड़ी डिवाइडर पे लगी और डिवाइडर पे लगने के बाद गाड़ी 2-3 पलटे खा गई है। मैंने अभी तक गाड़ी नहीं देखी है क्योंकि जिस टाइम पे ये चीज़ हुई मैं हिसार में था, फैमिली भी हिसार में थी। मॉर्निंग में शायद 4-4:30 बजे एक्सीडेंट हुआ है और मुझे शायद 9 बजे के आसपास कॉल आया था मॉर्निंग में। उस टाइम पे मुझे पता चलता है मैं हड़बड़ाहट में वहाँ से निकल रहा था, पापा को मैं इन्फॉर्म करना चाहता था बट पापा वहाँ पे गए, वहाँ पे मम्मी के पास और बाकी सबके पास। वहाँ पे जाते हैं तो उनको पता चलता है तो ऑब्वियसली हर कोई परेशान होता है। वो घर पे आए, थोड़ा रोने धोने लगे, उनको मतलब होता है फीमेल्स में जल्दी थोड़ा चीज़ें समझ नहीं आती हैं। मैंने उनको बोला कि बस आप प्रेयर करो और फिर सबने जिद करी। जिद करने के बाद मैं उनको सबको अपने साथ ले आया हूँ। पहले मैं गुड़गांव गया था, गुड़गांव में मैंने अपनी गाड़ी पार्क करी है, फिर एयरपोर्ट के लिए कैब ली, फिर फ्लाइट ली। फ्लाइट थोड़ा डिले हो गई थी और हम शायद 7th ऑफ अगस्त को रात को 8:30 के आसपास यहाँ पे पहुँचे थे। तब तक वो जो इमरजेंसी में था पहले एक जगह पे एडमिट करवाया था, लेके गए थे। उसके बाद कॉल पे ही कॉल, मतलब गाड़ी चलाते हुए मेरे पास इतने कॉल्स आ रहे थे, उसी टाइम पे मैंने फ्लाइट की टिकट्स बुक करी। और उसके बाद जो चीज़ें हो रही हैं, आई मीन भाई को रेफर करना था लेकिन उसके लिए एक फैमिली का कंसेंट चाहिए था, तो फैमिली का कंसेंट उसके लिए मेरे पास कॉल आया। बहुत हार्ड डिसीजंस जो होते हैं ना वो इस टाइम पे मैं ले रहा हूँ, सबसे छोटा हूँ बट मुझे ही लेने पड़ रहे हैं, बहुत रिस्क वाले डिसीजन ले रहा हूँ। एक छोटी सी गलती बहुत बड़ी बन सकती है, ये सब चीजें हो रही हैं। और इनफैक्ट बहुत 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 ज्यादा चीजें हो रही हैं, आपको मेरे फेस से दिखाई दे रहा होगा। मेरे को शायद 3 दिन हो जाएंगे, 3 या 4 दिन हो जाएंगे मैं सोया नहीं हूँ। हेल्थ इश्यूज चल रहे थे मेरे जब मैं हिसार में था, तब भी मेरी तबीयत काफी ज्यादा खराब थी, बट अभी सो नहीं पा रहा हूँ। इनफैक्ट मेरे बहुत ज़्यादा कफ हो रहा है, खांसी हो रही है, बट मैं खांसी की दवाई नहीं ले रहा हूँ, जस्ट बिकॉज पता है उससे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नींद आती है और मैं इस टाइम पे ना सोना नहीं चाहता हूँ बिल्कुल भी, बस जागना चाहता हूँ। अगर मैंने ये 1 हफ्ता 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता अपनी लाइफ में थोड़ा तंग हो गया ना तो शायद किसी की लाइफ बच जाएगी, और डेफिनेटली बचाऊंगा उस चीज़ को। हर एफर्ट्स कर रहा हूँ, हर ट्राई कर रहा हूँ। अभी हम जो जगह है वो भी मैं बहुत जल्दी रिवील कर दूंगा, बस हिसार से ऑलमोस्ट 2000 प्लस किलोमीटर दूर है और अभी हर एफर्ट्स ट्राई करें। सर्जरी से पहले आप मतलब मेरा कॉल फोन ऐसे जा रहा है 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए भी वेटिंग में ही चलता है, हमेशा किसी ना किसी से कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ, नंबर निकाल रहा हूँ। इनफैक्ट रिपोर्ट शेयर करवाई है, जिन जिनके लिंक हैं UK भी रिपोर्ट शेयर करवाई है, हर पॉसिबल चीज़ें जो हो रही हैं वो करने की कोशिश कर रहा हूँ। इनफैक्ट एयर एम्बुलेंस का भी ट्राई किया मैंने कि अगर एयर एम्बुलेंस से रेफर कर दें, दिल्ली में रेफर कर दें, अगर एम्स में हो जाए या उसके अलावा कहीं और हो जाए, बट बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बेड वेड मिलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत चीज़ें होती हैं, बट स्टिल फाइनली एक डिसीजन लिया कि ऑपरेशन यहीं होगा, तो यहीं से उनको मैंने कंसेंट दे दिया। और अभी आपको अपडेट कर देता हूँ, ऑपरेशन हो चुका है, डॉक्टर्स की साइड से ऑपरेशन ठीक हुआ है,
मतलब उनकी साइड से ठीक है। अभी जो ऑपरेशन हुआ है वो उनका सर्वाइकल बोन का हुआ है, जो स्पाइनल बोन होती है उसमें सी बोन बोलते हैं, जो शायद अपर बोन में ही आती है, उसका ऑपरेशन हुआ है। उसके लिए कंसेंट लिया था मुझसे, और कंसेंट में बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे बहुत सारी चीज़ें हाई रिस्क पे थी, जैसे ब्लड लॉस, इन्फेक्शन का होना, उनकी हार्ट बीट बहुत लो जा रही थी, जो मेडिसिंस दे दे के उसको एक बार ऑपरेशन के लायक बनाया है, और अभी बस ऑपरेशन हो चुका है, बट अभी रिपोर्ट्स आएंगी, उसके बाद पता चलेगा कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा या नहीं। अभी तक आउट ऑफ डेंजर नहीं बोला है डॉक्टर ने, ये नहीं बोला कि आउट ऑफ डेंजर है। और एक चीज़ है, जो ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन के बाद कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, जैसे कि उनको ऑक्सीजन लेवल था वो काफ़ी कम हो गया था, तो उसके लिए उनको वेंटिलेटर पे रखा है। वो वैसे भी एक बार रखते हैं ऑपरेशन के बाद, बट नेक्स्ट डे उनको हटाना था कि एक बार हटा के ट्राई करेंगे। उन्होंने ट्राई किया बट वो ऑक्सीजन उनको अभी भी नहीं मिल रहा है, उनके लंग्स में भी कोई प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसके लिए मैंने कंसेंट दिया, तो उन्होंने एंडोस्कोपी करवाई है उस चीज़ के लिए भी। एंडोस्कोपी से कुछ जो होता है शॉक ट्रीटमेंट शायद बोलते हैं, वो दे के लंग्स को धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं। तो मैं बस आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ उसके लिए प्रे करना, प्लीज़ दिल से, और सच में बोल रहा हूँ, आपकी प्रेयर्स इफेक्टिव हैं, बहुत असर कर रही हैं, दुआओं में बहुत असर होता है। और थैंक यू सो मच, प्राउड फील करता हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली मेरे साथ हमेशा खड़ी रही है, और सच में जेन्युइनली हमेशा सपोर्ट किया है। और जैसे ही पता चलता है, कोई भी अपडेट होती है, डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इसी टाइम पे, जिस टाइम पे मैं घर पे आता हूँ, जिस टाइम पे डॉक्टर्स बोलते हैं कि अभी आपका वहाँ होना जरूरी नहीं है, आप घर जा सकते हैं, तो जैसा भी पॉसिबल होगा 5 मिनट 10 मिनट में कोई ना कोई मैं आपको अपडेट दे दूंगा। आई नो आप भी परेशान हो रहे हो, बींग अ यूट्यूब फैमिली आपसे जो बस यही चीज़ें मांगता हूँ, प्लीज़ 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 प्रेयर करना, और थैंक यू सो मच, आपकी प्रेयर्स असर कर रही हैं, थैंक यू सो मच, कसम से बोल रहा हूँ। एक बार भाई ठीक हो जाना, आपकी जो भी चीज़ें हैं फॉलो करूँगा, डेफिनेटली फॉलो करूँगा, उसका रिटर्न फेवर जरूर करूँगा जो आज आप प्रेयर्स कर रहे हो, ठीक है। तो बस मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि जो भी अपनी अपडेट्स हैं वो आपको देता रहूँगा, और कुछ जैसे मेरा काम है यूट्यूब का है, प्रमोशन वीडियोज़ होती हैं वो गिवन डेट्स पे ही देनी होती हैं, तो बस मैं आपको एक छोटी सी चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा, अगर आपको समझ आती है कि जो आग होती है, आग को बुझाने के लिए पानी की ही ज़रूरत पड़ती है, तो वैसे ही अभी फ़िलहाल जो है सिचुएशन है उसमें आपकी ब्लेसिंग्स के साथ साथ पैसे भी उतने ही मायने रखते हैं, इसलिए मैं बस अपना काम कर रहा हूँ जैसे भी हो पा रहे हैं, और बाकी जो ट्रीटमेंट है वो भाई के जो जॉब है वहीं से चल रहा है, बाकी और भी बहुत चीज़ें होती हैं बहुत ज़रूरी होती है, तो बस मैं इतना ही बोलूँगा आपको। एनीवेज बस आप प्रे करना, बस आपकी प्रेयर्स में बहुत बहुत असर है, और जैसे ही कोई अपडेट होती है, जैसे ही कोई गुड न्यूज़ आती है, मैं आपसे गुड न्यूज़ ही शेयर करूँगा, ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच गाइस। So guys, this is my daily morning routine. When I wake up in the morning, I use Mama Earth charcoal face wash with activated charcoal and coffee, which gives freshness to my skin as I am having oily skin. So this face wash is best for my oily skin, and it's dermatologically tested, and it's free from parabens, SLS, sulfates, and silicones. It is having all natural ingredients, and it protects you from pollution, and also helps you open your pores. Let me also tell you that all Mama Earth products are free from harmful chemicals and all are natural. It contains ingredients like aqua, glycerin, sodium, PCA, coffee extract, activated charcoal powder, aloe vera extract and tea tree oils and so many other natural ingredients. Let me also tell you that Mama Earth is an Indian brand and they also help recycling plastic. And now they have launched their official app called Mama Earth app. You can also buy Mama Earth product from so many websites like Amazon, Nykaa, Purple, Flipkart and many others. सी द डिफरेंस, फेस पे काफी ज्यादा ग्लो आ चुका है, मतलब तो मेरा ना ऑयली स्किन है, और ऑयली स्किन पे पूरा दिन क्या होता है, जो जब हम बाहर जाते हैं तो ऑयल, डस्ट, पोल्यूशन वगैरह बहुत जल्दी कैच कर लेता है, तो आपने देख लिया होगा मैं यूज करता हूँ Mama Earth का चारकोल फेस वॉश, और देख लो यार ये फेस वॉश करते ही फेस पे ग्लो आ चुका है, आपने रिजल्ट तो आपने देख लिया होगा, तो मैं डेफिनेटली आपको भी रिकमेंड करूंगा कि आप ये ऑर्डर कर सकते हो, और ऑर्डर आप बहुत जगह से कर सकते हो, लाइक
अगर आप इनकी प्रॉपर वेबसाइट से mamaearth.in से ऑर्डर करते हो तो वहाँ पे आप मेरा कूपन भी अप्लाई कर सकते हो, उससे आपको इंस्टेंटली 20% और डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरे कूपन से इसको ऑर्डर करते हो। तो बाकी सारे जो डिटेल्स हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ आप चेकआउट कर सकते हो कि आप कहाँ कहाँ से इसको ऑर्डर कर सकते हो।